आजकल के इस मोबाइल के युग में तुम लोग मोबाइल छोड़कर यहाँ पर आए हो, इससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आज माँ बाप और बच्चे लोग भी मिलेंगे, सबके सब मिलकर खेलेंगे, इसलिए आए हो ना। मैं क्यों आया हूँ ये पता है तुम लोगों को? और मैं तुम लोगों को एक कहानी बताने वाला हूँ। हमेशा तो दादी कहानी सुनाती, आज दादाजी सुनाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। आज तो तुम लोग कहानी सुनने आए हो और तुम्हारी दादी अंदर मेकअप कर रही है अपने चेहरे पर। जब तक कि दादी का मेकअप हो जाए उसमें तो बहुत देर लगेगी, इसलिए तुम लोगों को आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ बच्चों, समझ गए ना। वैसे तो ये कहानी थोड़ी दुखदाई है, लेकिन अगर तुम लोग इंजॉय करोगे तो दुख नहीं होगा। तो ये मेरी कहानी है, आप लोगों की कहानी है, जिंदगी की कहानी है। अच्छा बच्चों, इंसान के अंदर चार गुण रहते हैं, ये उन्हीं गुणों की कहानी है। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये पंचभूत की कहानी है। इन पांच भूतों में से एक भूत जो है वो है हमारा आज का समाज, और बाकी के चार भूत जो है वो है खुद मनुष्य और उसके गुण। अरिष्ठा आसमान में रहकर जिंदगी कैसे चल रही है ऐसा देखने वाली ये एक कहानी है। शायद ये भी हो सकता है मैं जो कहानी सुनाऊंगा वो कुछ बच्चों को समझ में ना आए, पर कोई बात नहीं, जब तुम लोग छोटे से बड़े हो जाओगे तब तुम्हें आज सुनी गई कहानी का मतलब समझ में आएगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो क्या फिर हम कहानी शुरू करें बच्चों? एक गांव में चार बच्चे रहा करते थे। दादाजी सुसु। अरे इससे पहले कि तुम यहाँ कर दो, जाओ बाहर जाओ। कहानी और उपन्यास का नाम हो ये तो बहुत सामान्य बात है, फिर भी अगर कहानी सुननी है तो ना आँख कान दिल सब कुछ एकजुट हो जाना चाहिए। और आजकल के बच्चे जिन्हें चड्डी पहनने नहीं आती वो बच्चे 3G 4G का मोबाइल चला रहे होते हैं। जब हम बच्चे हुआ करते थे तब हमें बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलता था, चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो। ए, ए, अपना फोन बंद करो। बंद कर लिया ना? अगर तुम लोगों को मेरी कहानी सुननी है तो अपने फोन बंद करो। अब मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हें कहानी दृश्य रूप में दिखाऊंगा। चलो देखो। उन बच्चों के ना जन्म के बारे में हम जानते हैं और ना ही उनके धर्म के बारे में। इस नहीं जानते शब्द के अंदर हमें जो पता चल रहा है वो क्या है, अगर हम उन चार बच्चों को अलग अलग धर्मों में बांट दें तो हम आपस में लड़ने लग जाएंगे। सभी बच्चों को धर्म का पाठ सिखाया गया है। चलो अब आगे क्या हुआ मिलकर देखते हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ स्कूल जाओ। आ गए तुम लोग? अच्छा क्यों इस क्लास में ये लोग टीचर बनकर आए हैं? इतना बड़ा मुंह है इनका, इतना जोर से गा रहे हैं पढ़ने भी नहीं दे रहे। ये बताओ ये पाठशाला है या संगीत की शाला है? हाँ, बस। अरे नहीं, ये सही सवाल नहीं है।
बैठ जाओ बैठ जाओ। सुनो बच्चों, सब के सब लाइन में आ जाओ। तुम लोगों का जो भविष्य है अब वो मेरे हाथों में है। चलो लाइन में आ जाओ। सब के सब पढ़ाई करके उज्जवल भविष्य बनाने वाले हैं। ये लो गौरव, ये जो काला बिंदु है वो क्या है? अरे वाह, ये तो रक्त तिलक से लिखा गया है क्या? लगता तो वैसा ही है बिल्कुल। हाथ आगे करो, आगे करो। तुम क्या देख रहे हो? हाथ आगे करो, आगे करो, आगे करो। चलो, तुम लोगों को ठीक से पढ़ाई करना भी नहीं आता। चलो हाथ आगे करो, आगे करो। चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ। पास तो हो गए हो, लेकिन तुमने पेपर में जो कुछ भी लिखा है सारे तुम्हारे ही शब्द हैं। कोई कीमत नहीं इसकी। ये क्या है? क्या कर कर रखा है तुमने? अच्छे से पढ़कर पास होने की सोचो। हाथ आगे करो, वो वाला, जल्दी करो जल्दी। चलो क्लास में पढ़ाई करते वक्त ध्यान कहाँ होता है? चलो जाओ। पास तो हो नहीं रहा है और हंस रहा है। चल जा। तुम क्या चोरी करके चुपचाप खड़े हो? आ जाओ। तुम दोनों ने पेपर एक जैसा कॉपी किया है। खुद को बहुत होशियार समझते हो, फिर भी जस्ट पास किया है। ओनली पास, इसका कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारी कहानी क्या है? सर, टोटल मिस्टेक। टोटल मिस्टेक? ओहो, अरे बाप रे, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? ये लो, ये छड़ी दो। लो लो लो, अब तुम अपने हाथों से मुझे मारो, बिंदास्त मारो। हाँ, ये लीजिए। हे भगवान, तुम आयुष्मान रहो बेटा। या
यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ आकर नाटक दिखा रहा है? अगर इस तरह करेगा तो पूरे गांव वाले तुझे मारेंगे। भूख लगे तो घर पर आओ यार। क्या हुआ पिताजी, इसमें ठीक से नहीं लिखा है क्या? हम जिंदगी में कौन कौन से विषय सीख रहे हैं और किस विषय को ज्यादा सीख रहे हैं और कितने अनुभव से सीख रहे हैं, ये बात बहुत अहम है। अरे भागवत गीता को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? मैंने पढ़ने के लिए खरीदा है। हे भगवान, अरे जिस जगह पर जो चीज रखनी चाहिए वो चीज वहीं अच्छी लगती है। तुम्हें कब अकल आएगी ये तो भगवान ही जानता है। क्यों पिताजी? भगवत गीता पढ़ने से भूख नहीं मिटने वाली है। पाठशाला में जाकर पढ़ो, अगर अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छा काम मिलेगा, जिंदगी के लिए कोई रास्ता मिलेगा। तुम्हें कब अकल आएगी ये तो बस भगवान ही जानता है। पता नहीं मैं अब अपनी आंखों से और क्या क्या देखने वाला हूँ, ये तो भगवान ही जानता है। क्या कर रहे हो? कैसेट खराब होगी, उसे ठीक कर रहा हूँ पापा। ये गानों का और फिल्मों का पागलपन छोड़ दो और जरा पढ़ाई पर ध्यान दिया करो बेटा। पढ़ाई करता हूँ पापा, इस साल में अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा। अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और दहेज भी अच्छा मिलेगा। उसी दहेज के पैसे से मैं अपना कर्जा चुका पाऊंगा। या अल्लाह, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। अरे हिटलर, क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ पिताजी। पढ़ो पढ़ो, पढ़ कर बड़ा आदमी बनो। आप इतना क्यों पी रहे हो? कम से कम अब तो पीना छोड़ दो ना। तुम क्या जानो मेरी बेबसी। एक बार तुम्हारी माँ ढूंढने की कोशिश की थी मैंने, मिली नहीं। कहीं तुम्हारे साथ ना इंसाफी ना हो जाए, ये सोचकर ढूंढना बंद कर दिया मैंने। तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है मैंने। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं सुनना पिताजी, आप बहुत पी चुके हैं, आपको सोना चाहिए। ठीक है, मैं खाकर सो जाता हूँ। तुम भी खाना खाके सो जाना पढ़ने के बाद। अरे गौरव, 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा खाना भी खा लिया करो। लेकर आऊं क्या मैं? खाने पर भी ध्यान दिया करो बेटा, थकावट तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें? थकावट? थकावट तो होती है ना माँ, अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माँ, अगर मार्क्स अच्छे लाना है तो भूख को बर्दाश्त करना होगा ना माँ? कुछ भी करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम पेट भर के खाना खाओगे तभी मुझे सुकून मिलेगी। तुम हमेशा मेरे बारे में फिक्र करती हो माँ, लेकिन मैं आगे की जिंदगी चैन से जीने के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छे मार्क्स लेकर कोई अच्छा सा जॉब ज्वाइन करके मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, और भविष्य में महारानी जैसा रखूंगा माँ। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा खुश रहे इतना ही काफी है मेरे लिए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। क्या आश्चर्य की बात है, मैं आप ही के घर जा रहा था। अच्छा ऐसा है क्या? इधर मैं आपके घर जा रहा हूँ और आप मुझे यहीं मिल गए। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए बताइए जमींदार जी, क्या समाचार है? कुछ बात नहीं है मास्टर जी, ये एक सीक्रेट मामला है। ये बात हमारे ही बीच रहना चाहिए। मेरा बेटा अच्छा भजन सीख रहा है, सोच रहा हूँ उसका नाम किसी भजन कंपटीशन में दे दें। आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं मास्टर जी, गांव में एक भजन कंपटीशन रखने के बारे में सोच रहा हूँ, चाहे खर्चा कितना भी हो उसे मैं खुद देख लूंगा। समझ में आ गया ना मास्टर जी? ओहो, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब आप उस रूट से आ रहे हैं। दरअसल क्या है, हमें भी खाना पकाने के लिए होटल सेटअप चाहिए। हाँ मास्टर जी, उसके लिए गोकुलाष्टमी के दिन
एक भजन कंपटीशन रख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी क्या जरूरत है? वहाँ पब्लिक नहीं रहेगी तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अपने स्कूल के कुछ बच्चे भेज देते तो बढ़िया रहेगा। जमींदार जी, आजकल भजन कंपटीशन में कौन इंटरेस्ट दिखाता है। फिर भी हाँ, एक पंडित का लड़का है सूर्या, बहुत अच्छा गाता है। ओहो, आप उसका नाम ऐड कर लीजिए, मैं उसे भेज देता हूँ। ठीक है मास्टर जी, प्रोग्राम के दिन मुख्य अतिथि के रूप में आपको आना होगा, एकदम मना मत कीजिएगा। हाँ अरे ऊपर वाले, जब सब वहाँ मौजूद होंगे, जमींदार के बोलने के बाद मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ये हुई ना बात। अरे जल्दी आओ, वो देखो, वो देख। क्या हुआ? अरे रुक जा, मैं आता हूँ यार। चलो चलो, भूख लग रही है यार, किसी के पास पैसा है क्या? नहीं यार। एक काम करते हैं, शेखर भाई की दुकान पर चलते हैं। हाँ, हाँ, चलो, चलते, हाँ, चलते, चलते। शेखर भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है, इधर कैसे आना हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं शेखर भाई, वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है आप उसे देंगे क्या? और उसमें से वो भी दे दीजिए। हाँ और वो भी। हाँ वो वाला भी। इसमें से थोड़ा थोड़ा देना है क्या? अरे नहीं शेखर भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इसमें बहुत धूल जम गई है, इसे थोड़ा सा क्लीन करके वहीं पर फिर से रख दो। बस मुझे चबाने के लिए एक चिक्की दे दो। एक खींच के दूंगा ना तो दांत गिर जाएंगे। ले लो चिक्की, ले लो तुम। अरे बाप रे, शेखर भाई की चिक्की में कीड़ा है, इनके हर चीज में कीड़ा भरा हुआ है। ए, चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मुझे कुछ दोगे क्या? क्या चाहते हो तुम बोलो। 100 रुपए। 4 दिन से धंधा नहीं हो रहा है मेरा, कैसे दे सकता हूँ 100 रुपए? कल बच्ची के फीस के 300 रुपए भरना है मुझे, उसी को लेकर चिंतित हूँ मैं अभी तक। अरे शेखर भाई, इतना सारा सामान भर के रखा हुआ है और बोल रहे हो कि धंधा नहीं हो रहा है। तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग क्या जानो धंधे में क्या होता है। शेखर भाई एक काम करो, 10 मिनट के लिए इस धंधे को मेरे हाथ में दे दो, इस धंधे को मैं संभालता हूँ, आप पीछे बैठ जाइए, कमाई होगी तो उसमें आधा आधा बांट लेंगे, क्या बोलते हो शेखर भाई? बकरे को घास दिखाऊंगा तो खाने को जी करेगा। देखो दुकान में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। शेखर भाई नहीं है क्या? शेखर भाई नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं। आपको क्या चाहिए? एक ब्रेड दे दो। हाँ कितना हुआ? 15 रुपए। चेंज नहीं है क्या? चेंज नहीं है। इसमें से और कुछ चाहिए तो बताओ, इसमें से कुछ ले लो। ये क्या है? ये है मुसली पावर, शेखर भाई ने किसी को भी ना बताया यहाँ छुपा के रखा है। मर्द को आजकल जल्दी बुढ़ापा आता है ना, इसे खाने से कभी कभी मर्द को बहुत पावर मिलता है, इसे जो भी खाएगा वो अपने अरमान को पूरा कर लेगा, लेकिन खाने के बाद किसी को बताने का नहीं, इसलिए शेखर भाई ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। ये कितने का है? 600 रुपए। ये लो 100, इसे मैं लेता हूँ। भाई ब्रेड नहीं चाहिए क्या? ब्रेड नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए यही काफी है। तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम बहुत कमाई कर सकते हो, अगर उसको पता चल गया और वो वापस आ गया तो? उसको मैंने बोल दिया है कि किसी को बताना नहीं है। ये लो तुम्हारा शेयर। नहीं चाहिए शेखर भाई, बच्चे की फीस भर दो। तुमने बहुत अच्छा काम किया हिटलर। अरे भूख लगने की बात किया था। अरे रहने दो ना। छोड़ो एक काम करेंगे क्या, हम सब मिलकर मेरे घर पर जाकर खाना खाएं। अरे अच्छे काम में देर कैसी, भूखे शेर को जैसे चारा मिल गया हो। चल, चलो, चलो, चलो चलते हैं। चलो माँ, माँ तुम यहाँ पर हो क्या? माँ मैं फ्रेंड्स को खाने के लिए लेकर आया हूँ, खाना तैयार है क्या? खाना तैयार हो गया बेटा, जाकर हाथ पैर धो लो, मैं खाना देती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, चलो आ जाओ। माँ थोड़ा सांभर डालो ना और खाओ। ठीक है माँ। गौरव ये दोनों हमारे घर पहले भी आए हैं ना, और ये कौन है? अच्छा ये, इसका नाम है सूर्या, पंडित का बेटा है माँ। हे भगवान, तुम क्यों आए हो हमारे घर?
ऊपर से मैंने जो खाना बनाया वो मांसाहारी है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई भगवान। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तुम्हारे घर ऐसा खाना नहीं बनता है बेटा। ये तो मटन बनाया है मैंने। मुझे मटन नहीं चाहिए, मुझे बस खाना चाहिए। हे भगवान, खाना खत्म हो गया बेटा। कोई बात नहीं, उसमें जो है वही दे दीजिए। ठीक है। ठीक है, शक्कर के साथ खा लेना। हाँ अरियाना, मैं तुम दोनों को एक कमाल दिखाऊं क्या? कौन सा कमाल? सूर्या ने मटन खा लिया है। आने दो उसे, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा आज मैं। मेरी मान मर्यादा सब कुछ खत्म कर दिया है। क्या हुआ पिताजी, कहाँ जा रहे हैं? काफी अलग लग रहे हैं। जो काम नहीं करना था वो करके दिखाया तुमने, और क्या करना बाकी है? देशांतर जाना पड़ेगा। मांसाहारी खाना खाकर आए हो, बदकिस्मती है मेरी। ये मेरा कर्म है, कर्म है। मैं एक पागल हूँ, तुम पर इतना भरोसा किया मैंने, तुम्हें लेकर कितने सपने देखे थे। हमारे लिए कोई जगह नहीं बची, कोई भी जगह नहीं बची। पिताजी मैंने मटन नहीं खाया है सच में। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, और जितनी तकलीफ देना चाहते हो दे दो, मैं सब झेल लूंगा। पिताजी आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपको लगता है ना कि मेरी गलती है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तुम चाहे कुछ भी कहो, सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जो काम तुम करके आए हो उसके लिए मंदिर जाकर पूजा पाठ करनी चाहिए, यही तुम्हारा विवाद है ना? पिताजी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है पिताजी, और ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि गलती तो मेरी है ना पिताजी। मुझे इसका प्रायश्चित करना है और मैं कहीं दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा पिताजी। लेकिन वो भगवत गीता मुझे दे दीजिए पिताजी। तुम जितना सोच रहे हो जिंदगी उतनी आसान नहीं है, इतना समझ लो। वो एक हिसाब से बहुत बड़ा यज्ञ है। जो हम सोच रहे हैं वो एक यज्ञ है। सूर्या तुम बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे हो बेटा, तुम्हें सिर्फ यहाँ खाने के लिए मिलता है, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? पुराना माने तो आपको एक बात बताऊं? जरूर बताना बेटा। फादर क्या आप मुझे बाइबल दे सकते हैं? ओके नाइस, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, बाद में आकर ले जाना ठीक है? बोलिए क्या चाहिए आपको? मैडम दरअसल बात यह है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर गा सकूँ, इसलिए आप मेरा नाम लिस्ट में से हटा दीजिए ना। सॉरी, जो लिस्ट में नाम आया है वही कम है। आपने पार्टिसिपेट किया है ना? जिसने भी पार्टिसिपेट किया है उन सबको कोई ना कोई प्राइज जरूर मिलेगा। मैडम मुझे प्राइज नहीं चाहिए, प्लीज मेरा नाम लिस्ट में से निकाल दीजिए ना। तुम एक काम करो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई गाने वाला है तो उसका नाम दे दो, उन्हें गाने के लिए बोलो। तो फिर मेरा नाम लिख लो। तुम्हारा? ए तू चुप कर, आप लिखिए मैम। क्या नाम है? आजाद। आजाद? ऐसे मत देखो, मैं गाना नहीं गा सकता क्या? गा सकते हो लेकिन ये भजन है। मैडम आप लिखिए, आगे जो होगा मैं देख लूंगा। ए, तुम लोग देख क्या रहे हो, चलो। नहीं यार। अरे यार आजाद का नाम क्यों दिया? अरे तूने तो दोस्ती के नाम पर धोखा दिया। अबे चुप करना, मजा आएगा, चल चलते हैं। और आज के कंपटीशन में सबसे आखिरी प्रतिस्पर्धी हैं आजाद। नहीं, जा,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर वो कौन है पता है? अरे इसके तो ज्यादा ही पंख निकल आए हैं। भाई मुझे भी पंख निकाल के गेम खेलने का मन कर रहा है इसके साथ सच में। जरा मुझे पलट के तो देखो, मैं इधर बैठा हूँ तेरे लिए। अरे यार ये कौन है पता है? इसकी जो फैमिली है ना, मोहल्ले में बहुत फेमस है, उन्हें तो मैं भी जानता हूँ। सही बोल रहा है तू। अब सुन, अपनी जवानी के जलवे दिखा के इसने जिस तरीके से हमारा दिल छीना, वैसे ही हम लोग भी इसे अपने प्यार में फंसा के इसके साथ कुचुकू करेंगे। अरे चुप रहो, अगर हो सके तो साथ में थोड़ा रस पी लेते हैं। मोर नाचे जंगल में मोरनी को खुश करने के लिए, मैं भी तेरे लिए बैठा हूँ, मुझे खुश करके जाना। अरे जरा पलट के तो देख मेरी जान, मैं तेरा यार हूँ, देख ले जरा। ए जाने वाली जरा इधर आ जा, तेरे साथ दिल लगाने का है मेरा इरादा। अरे अच्छे काम के लिए सोचना क्या। सुनो ए लड़की, हम लोग जो यहाँ खड़े हैं तेरे पीछे आने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा होगा अगर तू हम पांचों को तेरा दिल देगी, खुशी से हम तेरे साथ नाचेंगे। ये भाई जरा देखना, जबरदस्त लग रही है। तुम्हारे पहले मैं ही शादी कर लूं। अरे रुक जाओ दोस्तों, क्या हुआ? ये देखो क्या लिखा है। क्या हुआ? ओ, आज छोड़ो, किसी और दिन इसको आराम से हम लोग मिल करके निपटा लेंगे। सही है, चलो। क्या बात है? अबे ये कौन है बे? ओ लगता है कि वो छमिया का नया बॉयफ्रेंड है रे। अच्छा तो इसी के लिए हम अपना काम नहीं कर पाए। इसको पैसे देंगे, इतने पागल थोड़े हैं। दम मारो दम, तैयार हो जा बकरे की तरह कटने के लिए। ये क्या बात है, अकेले आया है क्या? अरे तुम तो बच्चे हो, तुम क्या करोगे? हाँ ये
अपना हाथ दो। तुमने बाल में जो गजरा लगाया ना, उसकी खुशबू मेरे दिल के अंदर घुसकर सुकून दे रहा है। तुम्हें पता है, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। बदन पूरी तरह से गर्म हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरी रानी, अगर आग बुझाना है तो थोड़ा खुश रहना चाहिए। मुझे भी कसके पकड़ो ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बात बनाना बंद भी करो। अब मुझे मंगलसूत्र पहना। इसी तरह मैंने हाथ में भी कंगन पहनाया है ना। इच्छाएं पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसी बात है? ऐसी बकवास बातें मुझसे मत किया करो। मुझे सब समझ में आता है। बहुत तेज हो तुम। जिसकी औकात नहीं है, अगर उसको दौलत मिल जाएगी तो अंधेरे रात में भी छाता पकड़ लेगा। और अगर मुझे मिल गई तो दुनिया बदल दूंगा। जब भी हम लालच करते हैं वो दुख का कारण बनता है। भले ही कुछ पैसे क्यों ना कमाओ, लेकिन आराम की जिंदगी जियो। ये पूरा देश मेरा है और इस देश को हासिल करना हमारे जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। अरे बाप रे, तुम रामेश्वरम भी जाओ पर शनि को मानना गलत नहीं है। दादी को पान की फिक्र है और पोते को बगीचे की। अपने अधिकार जाने का डर है, आमदार को वोट का डर है और दौलतमंद को चोर का डर है। जब एक साथ पैदा होते हैं तो भाई भाई रहते हैं और बड़े होने के बाद भागीदार होते हैं। सुख की जिंदगी जीने से पहले ही हम दुख की चिंता करने लगते हैं। सुख दुख तो आता जाता रहता है। अच्छा ये बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो? मेहनत करोगे तो अच्छी जिंदगी जियोगे और मेरा भी अच्छे से ख्याल रख पाओगे। हाँ, वेद झूठा हो सकता है पर कला झूठा नहीं हो सकता। और क्या था, और क्या था, क्या था, क्या था, क्या था? हाँ, ये जमीन एक कुरुक्षेत्र है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ मेरे घर, मेरे घर में आ जाओ मेरी। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, दिल में थोड़ा दर्द हो रहा है, कभी कभार होता है, लेकिन आज दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा। माँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? क्या हम हॉस्पिटल चले? हे भगवान, स्कूल जाने के लिए भी लेट हो रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ? माँ, 3 घंटे के लिए आप बर्दाश्त कर लेंगे क्या? मैं जल्दी से एग्जाम देकर आ जाऊंगा माँ। मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जाओ और अच्छे से परीक्षा देकर आ जाओ। माँ, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बेटा, मैं जाकर आता हूँ। यार, तुमने तो याद कर लिया, मुझसे तो याद ही नहीं होता है। अरे डरो मत यार, हिम्मत रखो तो हर काम आसान है। पता है, मैथ्स का एग्जाम है यार। देखो, मैथ्स वैसे भी तुम लोगों को नहीं आता। और गौरव कहाँ है? कमाल है, अभी तक नहीं आया वो, कहाँ होगा? हाँ, आ गया, आ गया। हे, जल्दी आना। तुझे इतनी देर क्यों लगी? माँ की तबीयत ठीक नहीं है यार, वो बहुत बीमार है। क्या हुआ? अरे वो, उनकी चेस्ट में पेन हो रहा है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा क्या? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से एग्जाम भी है, हमारे फ्यूचर का सवाल है ना। वो तो ठीक है, परेशानी तो नहीं है ना? माँ ने क्या बोला? फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है तो कोई बात नहीं, चलो। तुम क्यों वहां रुक गए हो? तुम लोग आगे जाओ, मैं घर जाकर आता हूँ। लेकिन क्यों? मैं अपना कंपास बॉक्स घर पर भूल गया हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाना। भैया, भैया सूर्या भैया, आपके पापा भगवान का अभिषेक करने के लिए पानी लेने गए थे, लेकिन वहाँ दरिया में फिसल कर गिर गए और उनकी मौत हो गई। आप जल्दी आ जाओ।
ए हिटलर, सूर्या कहाँ है? आ जाएगा सर। ये क्या है? पढ़ाई नहीं करते हो, कॉपी करते हो? नालायक कहीं के। अभी उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं है, उसको जब चाहे आने दो, हम जवाब देंगे। मेरे हिसाब से इंतजार करना ठीक नहीं है, क्या कहते हो? ठीक कहते हैं आप। माँ जी आप कैसी हैं? अभी ठीक हूँ। आपने ऐसे बेटे को जन्म देकर पुण्य का काम किया है, अगर ये वक्त पर नहीं ले आता तो आपकी जान चली जाती। अब इन्हें कोई तकलीफ मत होने देना, मैं दवाइयां लिख देता हूँ, इन्हें वक्त पर दे दिया करो। अब अपना ध्यान रखिएगा माँ जी, मैं चलता हूँ। गौरव। माँ जी। सूर्या तुम हो क्या? तुमने मेरी जान बचाई, तुमने परीक्षा छोड़कर आज मेरी जान बचाई है बेटा। तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म देने के लिए मुझे बहुत पुण्य करने चाहिए थे। तुम्हारे पापा को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे ना? माँ जी मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। माँ जी मैं वो खत्म करके वापस आता हूँ। ठीक है। सच में अपनी जिंदगी से मैं थक गया हूँ यार। हाँ यार, स्कूल में भी झंझट है और घर में भी, कितनी भी पढ़ाई करो कोई फायदा नहीं। तुम जो बोल रहे हो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं भी लाइफ से तंग आ चुका हूँ। लाइफ में पैसा ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने पढ़ाई के लिए जितनी भी तकलीफें उठाई फिर भी कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है यार। तुम जो बोल रहे हो मुझे वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, जिंदगी में सब कुछ छोड़कर अब सन्यासी बनने का मन कर रहा है। अरे जब तुमने सन्यास का नाम लिया तब मुझे याद आया, नदी के उस पार जिंदगी के सब सुख दुख त्याग करके सुख की जिंदगी जीने के लिए वहाँ सन्यासी लोग आए हैं, जाकर मिलकर आए क्या? हाँ, चल, चलो। अरे
जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे रहने दो। अच्छे हो ना बेटा? एकदम बढ़िया हो दादाजी। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। क्या बात है दादाजी? अरे वो क्या है ना, मैं इन बच्चों को जरा सी कहानी सुना रहा था तो गला खराब हो गया। तुम जरा मेरी मदद कर दो आकर। क्या मदद? हाँ, तुम इन बच्चों को कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी? अरे मुझे कितनी कहानियाँ पता है, मैं तो बस एक ही कहानी जानता हूँ, वो चार बच्चों वाली कहानी। मैंने थोड़ी सी सुना दी है, बाकी की तुम आकर उन बच्चों को सुना। हाँ ठीक है दादाजी। देखो बच्चो, ये मेरा पोता है, सिंगापुर से आया है। अब आगे की कहानी ये तुम्हें सुनाएगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं अंदर जाकर आता हूँ। दादाजी संभल कर कहानी सुनाओ, बच्चों को कहानी सुनाओ। ठीक है बच्चे लोग, रेडी हो ना? हाँ, रेडी हूँ। मिल गया। सब लोग रिलैक्स होकर बैठ जाओ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो कहानी सुनाने का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। दादाजी जिन चार बच्चों की कहानी सुना रहे थे वो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। कहानी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और ये हैं वही चार लोग। ये है बिना परेशानियों का सुंदर बंगला जिसका नाम है शांति निवास, और ये है वास्तु के हिसाब से। ये है गौरव, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे जॉब पर लग गया है। और यह है गौरव की बेटी। इतनी बड़ी है ऐसा आप सोच रहे हो? इतनी बड़ी है ये सोच रहे हो क्या? फिगर ना बिगड़ जाए इस डर से इसकी माँ ने इसे एडॉप्ट किया है। और यह है गौरव की हाउसवाइफ, बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं, काम कम और आराम ज्यादा है। गौरव की माँ मिसिंग है ऐसा आप सोच रहे हैं? क्योंकि वो गांव में है और गौरव हर महीने 5,000 रुपए भेजता है खर्चे के लिए। बस बस बस। बाप रे मेरा वेट 50 किलो हो गया। कैसी है? क्या? मैंने जो चाय बनाई वो कैसी है? ओ अच्छा, चाय सुपर। नहीं सच बताओ ना। थोड़ी शक्कर कम है। बस यही काम है तुम्हारा, मैं जो भी बनाऊँ उसमें कोई ना कोई कमी निकालते रहते हो। पहले उपमा बनाई तो नमक कम बोले, भिंडी की सब्जी बनाई तो बोले तीखा कम है। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें कमी निकालते ही हो। मैं ऐसे घर पे पड़ी रहती हूँ ना, इसीलिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। पापा मम्मी जो बोल रहे हैं वो स्केटबोर्ड के टेस्ट जैसा है, हम बड़े ही आराम से घर में खेल सकते हैं ये। खींच कर दूंगी ना। चिनू देखो कौन आया। कौन है आप? मैं खाना बनाने वाली बाई, मैडम ने मुझे फोन करके बुलाया था इसीलिए आई हूँ मैं। खाना खा लिया क्या? अबे नहीं। ठीक है तो फिर एक काम करते हैं। ये तो क्या कर रहा है? अरे काम हो गया भाई। हाँ? 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 भयंकर दिमाग है तुम्हारा। ये तो खाली ट्रेलर था भाई, पिक्चर तो भी बाकी है। तुमसे मिलने के बाद खाना खाने का मजा आ गया भाई। बाप रे। भाई तुम बस देखते जाओ, नेक्स्ट डील में मैं अपनी पूरी लाइफ को ही सेटल कर दूंगा। मैं तुमसे मिला ये मेरा नसीब है। खाओ खाओ खाओ, खाना खाओ खाना खाओ, ले लो ले लो, खाओ खाओ मजे करो, मस्त है मस्त है। अब्बू कितना टाइम लगा दरवाजा खोलने में, दिमाग खराब हो गया, परेशान हो गया हूँ। सुबह बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया, फॉर्म लेने के लिए कैशियर के पास गया तो वो बोलता है कि पढ़ाई नहीं आती है,
फॉर्म भरना नहीं आता है और आ जाते हो बैंक में पैसा जमा करने के लिए नलायक कहीं के। 1 लाख निकालकर टेबल पर रखा तो सीधे मुझे मैनेजर के केबिन में लेकर चले गए और कुर्सी दी और जल्दी ही मेरा सारा काम करके दे दिया। अब्बू, कल से कोई लिखने का काम होगा तो मुझे दीजिएगा, मैं करके दे दूंगी। तुम तो कभी स्कूल के करीब भी नहीं गई, तो फॉर्म कैसे भरोगी? हाँ नहीं अब्बू, वो क्या है कि मुझे लिखना और पढ़ना थोड़ा थोड़ा आता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा, विश्वास कीजिए। ओ, ऐसा है क्या? ऐसा काम किया है तुमने? अभी वो कहाँ चला गया है तुम्हारा नालायक पति? 3 बार कबूल है बोलने के लिए 3 लाख का खर्चा किया है, झूठ बोलकर दहेज ले लिया हमसे और सर पर पाप बांध दिया, चाहते वक्त भी 5 लाख लेकर गया, कुछ भी करके 2.5 लाख बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, झूठ बोला और दहेज भी ले लिया और तुझे यहाँ मेरे पास छोड़ गया है, और तो और ऊपर से और पैसों की डिमांड कर रहे हैं वो नालायक कहीं के। कहाँ से लाऊं इतना पैसा बेवकूफ कहीं का, वो कभी सुधरेगा क्या? अब्बू आप ऐसे मत बोलिए, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, गलती तो उनके पापा की है ना। हाँ, अभी कहाँ गया तुम्हारा बेकसूर पति? उसकी सोच में कोई कमी नहीं है, उसके हाथ में 1 भी पैसा रहेगा ना तो भी उस कमबख्त को कुछ करने की नहीं सूझेगी, अभी तो छोड़ो। लेकिन इसका जब दोस्त उस नालायक को 25 साल तक उसके तोते जैसा पाल पोस कर बड़ा किया, और देखो अगर 1 महीने में उसे कोई काम नहीं मिला ना तो 3 बार तलाक बोल दूंगा, संभल कर रहना लड़की। अब्बू। ओके, रेडियो 96.8 एफएम पर आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। वैसे लोगों का नाम पूछने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये लाइन मैं फिर से दोहराऊंगा कि वैसे लोगों को नाम पूछने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मेरा नाम है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। क्योंकि मेरे घर में हम 14 बच्चे लोग हैं और मैं हूँ लास्ट बच्चा। ओके, 13 बच्चे लोगों का नाम रखने के बाद 14वें बच्चे का क्या नाम रखेंगे ऐसा सोचकर मेरे पेरेंट्स सोच में पड़ गए थे। anyway, नाम को जरा साइड में रखते हैं। anyway, फिलहाल के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी ही देर में आ जाएंगे हमारे किरण और उसी गेस्ट के साथ हम आगे प्रोग्राम बढ़ाएंगे। तो सुनते रहिए रेडियो एफएम 98.6, ये हमेशा आप लोगों का प्रोग्राम है, सुनते रहिए इसे। बाय बाय। वेलकम टू 98.6 रेडियो एफएम और ये है आपका सबसे पसंदीदा शो। सो वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद किरण एंड दिस इज योर आरजे किरण। तो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट कॉलर कौन है आज। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। आपका नाम छोड़कर बाकी सब सुपर्ब है, सुंदर चेहरा, सिंपल बॉडी, शांत स्वभाव, उम्र है 24, चेस्ट 55, शायद ऐसा ही कुछ। श्रवण नक्षत्र है, मकर राशि, आप मुझे बहुत पसंद है, आप मुझसे शादी करेंगे क्या? आपने तो मुझे देखा भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपको मुझसे प्यार हो गया है, मैं हैरान हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक खूबसूरत सपने की तरह, और बहुत जल्द ये टूट भी जाएगा। प्लीज प्लीज कॉल मत कट कीजिएगा। एक बात बताऊँ आपको, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। नो प्रॉब्लम, दूसरी शादी कर लीजिए। इतना फास्ट जाना ठीक नहीं। शादी छोड़ दो, प्यार करोगे क्या? बिल्कुल प्यार करता हूँ, लेकिन एक बहन की नजर से। मुझे तो लग रहा है आप मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपकी कोई कमजोरी है क्या? दरअसल मेरी हंसी ही मेरी कमजोरी है, मुझे हंसना और शर्माना नहीं आता। हंसना भी एक अजीब सी कला है और ये आपके अंदर ही है, अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा, अभी भी आप अंदर से हंस रहे हैं, सिंपल फिलोसॉफी। अब अंदर जाइए और आईने के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, धन्यवाद। प्यार, प्यार एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत कुछ छुपा है। जैसे कि आप माँ से प्यार करते हैं, अपने पिता से प्यार करते हैं, अपनी बहन से प्यार करते हैं, भाई से करते हैं, अपने कुत्ते से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं और न जाने कितनी सारे लोगों से। अपने कुर्सी से प्यार, अपने देश से प्यार, पैसों से प्यार और हर चीज से प्यार ही प्यार। ऐसे प्यार नाम की इस बीमारी को अगर आप जड़ से मिटाने की कोशिश करेंगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी। क्या बात है भाई, आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो? सब तुमसे दोस्ती करने का नतीजा है स्वामी, तुमसे ही सीखा है ये सब कुछ। और क्या बताओ, आगे क्या क्या करने वाला हूँ कुछ पता नहीं। वाह, क्या खुशबू है यार खाने की। वाह, बहुत बढ़िया सच में। दोस्त, मैंने देखा तुम्हारे घर पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे घर पे ब्रेड एंड जैम, दैट्स ऑल।
तुम अंदर से किरण हो और बाहर से सूर्या, मेरा क्या है वो मुझे ही पता नहीं है। ऐसा क्यों? देखो मुझे पता नहीं चल रहा है लेकिन तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। आज हमारे एरिया में स्वच्छ भारत अभियान है, मैं थोड़ा जाकर आता हूँ। तुम घर के काम पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, चीनू का होमवर्क है उसे खत्म करके कहीं भी चले जाना। अरे हमेशा जाता हूँ क्या, अब तक तो इधर ही था। ऐसा तुम क्या ही काम करते हो हाँ, चीनू को स्कूल लेकर जाना, चीनू का होमवर्क कराना। तो चलो अभी ये पढ़ाई करिए, ऊपर से मुझे शॉपिंग भी जाना है, बहुत ज्यादा काम है मुझे, पैसे देकर जाना। हाँ कितने चाहिए? हाँ कितने चाहिए, मेरी बारी आई तो गिनने लग गए, खुद का क्या। ठीक है अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। सुना है कि कॉलेज में तुम्हारा कोई चक्कर था, बड़े दीवाने थे तुम। वो क्या है, वो सब दिल की बात है, आज भी मेरे दिल में बैठकर वो धक 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 कर रही है, ऐसी जिंदगी जीना पॉसिबल नहीं है। अरे क्या बाबा तुम भी, कब तक ऐसे ट्रेलर दिखाते रहोगे, मौका आ गया है, लड़की का हाथ पकड़ के शादी कर लो, 24 घंटे पत्नी साथ में रहेगी। अरे 24 घंटे उनको दे देंगे तो हमारी जिंदगी में क्या बचेगा। अरे बाबा लड़की आएगी तो तुम्हारा घर बसेगा, घर बसेगा तो हमें भी खाना मिलेगा। वो भी ठीक है, देखते हैं, समय साथ देगा तो अपना घर भी बना लेंगे। ये बताओ खाना खाया क्या? नहीं भाई। ठीक है तो फिर हम एक काम करते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? और ये कौन है? इसको आप नहीं जानते क्या, हमारे MLA का बेटा है। पैसे का पूरा हिसाब इसके पापा रखते हैं, इसे कुछ पैसा नहीं मिलता, बस ये वाली वीकनेस है इसकी। हाँ ये वीकनेस है? हाँ। अरे चोर कहीं के। इसीलिए क्या हम दोनों ने मिलके ना कुछ प्लान किया है। हाँ? अपन दोनों मिलके इसको अर्जेंटली किडनैप कर लेते हैं। हाँ? फिर इसके बाप से पूरे 25,000 रुपए हम डिमांड करेंगे, पैसे मिलने के बाद आधा हिस्सा इसको दे देंगे और जो बचेगा वो हम दोनों का हो जाएगा। ऐसा है? हाँ? तो फिर उसके घर पर जल्दी फोन करो। हाँ? करो करो। हाँ? ये ले फोन लगा, इसको लगाने दो। फोन लगाने को बोला मैंने, फोन लगा। ये लो लगा दिया नंबर। हेलो MLA सर, ऐसा है कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और वो अभी जिंदा है, चाहते हो कि अगर वो जिंदा घर वापस आ जाए तो हमें पूरे 2,00,000 रुपए चाहिए। अरे इसके बाप को कंफर्म करने की जिंदा कि नहीं जिंदा, अबे बात कर, कंफर्म कर, बात कर, जल्दी बात कर। पापा पापा मुझे किडनैप कर लिया है, बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत मार रहे हैं ये लोग, पापा मुझे खाने को भी नहीं दे रहे हैं, 1,00,000 रुपए दे दो इनको नहीं तो मेरे को मार डालेंगे, पापा जल्दी से 1,00,000 रुपए लेके आ जाओ पापा। हा? हा? ये कौन है? मैं MLA जी का PA हूँ। भाई एक पीस ले लूं, मेरे को लगा बस मैं ही जन्मों का भूखा हूँ, तू भी भूखा निकला ले, खा ले खा ले, ले लो खा लो। ये MLA का लड़का भी बिल्कुल ढक्कन है, इतना अच्छा कबाब पीस छोड़कर चला गया, मेरे आइडिया से मुझे पैसा मिल गया रे। भाई अब पूरे 1 हफ्ते तक पार्टी करेंगे, पीने के बाद यहीं पर सो जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, पैसा हो तो कोई टेंशन होती नहीं है, दिल खुश रहता है बाबा, वैसे भी टेंशन लेने का नहीं रे, टेंशन दुनिया को देने का। बोलो ना, जनसंख्या के हिसाब से भारत में प्रति 1 सेकंड में महिलाएं 1 बच्चे को जन्म देती हैं।
द लेडी इन इंडिया पर सेकंड। अरे नहीं बाबा, इंग्लिश अपन को नहीं आती रहे, हिंदी में बोलने का, हिंदी में इंग्लिश छोड़ो बाबा। दोबारा इंग्लिश बोली तो मैं आपसे कट्टे हो जाऊंगा और अपनी दोस्ती हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। भाई बात करो तो अपनी भाषा में करो, नहीं तो मत करो। सामने से एक हसीना आ रही है। ओहो, गुलाबी साड़ी में है। पीने के बाद तो दुनिया गुलाबी दिखाई देती है, इन्हें कोई दूसरी साड़ी पहन के आना चाहिए था। तुम किस लिए आई हो? मैं कितने दिनों तक इंतजार करूं? थोड़ा दिन और डार्लिंग, तुम मेरे जानू हो ना। तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो हाल है वो भी तो समझो ना। ठीक है, बताओ क्या हुआ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ गुंडे मवाली बहुत ज्यादा तंग करने लगे हैं मुझे। फ्रिज में रख दो। हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। टेस्ट नहीं आ रहा है, कच्चा चिकन मुझे खाने को दे रहे हैं, ठीक से पकाना भी नहीं आता, पूरा पैसा लेके कच्चा पीस देते हैं। जानू एक बार खा कर देखो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? मैडम आप ऐसे लोगों के मुंह क्यों लगते हो, छोड़ दीजिए ना। मेरे पास जॉब है, ऐसा झूठ बोलकर पापा ने दहेज ले लिया है। मेरा हाल अभी बहुत ही खराब है। तुम्हारा ससुर कोई मामूली इंसान नहीं है, इस गांव में लड़का नहीं मिलता है ये बोलकर तुम्हारी शादी करवाई है उसने। इसका मतलब? ये सब छोड़ो मेरे दोस्त, मुझे तो बलि का बकरा बना दिया गया है। तुमने गाना नहीं गाया तो मेरा सर दर्द करने लगेगा, प्लीज मेरे लिए एक गाना गा दो दोस्त। ठीक है। ये जो मेरा संगीत है, ये जो मेरा संगीत है, ये ही तो सौंदर्य है। इसकी खुशबू से ही मेरी सांसें हैं, ये जो मेरी संगीत है। देखो ना क्या मुश्किल है, मुझे संगीत पसंद है और मुझे गाना नहीं आता। तुम्हें पैसों की जरूरत है पर तुम्हारे पास नहीं है, अगर मैं तुम्हें दूं भी तो तुम नहीं लोगे। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है? अगर घर जाएगा तो ससुर किटकिट चालू हो जाता है, मेरी बीवी का चेहरा देखो पंचरत्ना की तोते के जैसी है, मुझे तरस आ रही है। जिंदगी बोले तो एक बहुत बड़ी किताब है, पर उसे सीखना उस तोते को है नहीं। मुझे तुम्हें एक सच बात बतानी है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं मैं इस कंफ्यूजन में हूं। आज बता ही देता हूँ, तुम्हारे ससुर के जरिए तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन पूरा गांव बोल रहा है। एक काम करो, तुम घर जाओ और अपनी बीवी से पूछो, तुम्हें वो सब कुछ सही बता देगी। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था इसलिए बताया है। चिन्नू, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये रिमोट कार। क्या पापा? मुझे रेड पसंद नहीं है, मुझे ब्लू कलर पसंद है। हाँ।
तुम्हें बच्चे का टेस्ट भी पता नहीं है क्या? अरे मेरे बारे में तो रहने ही दो, कम से कम बच्चे के बारे में तो सोच लो। बालों में कुछ कचरा गिर गया है क्या? बोलो तो मैं निकाल देता हूं यार। मसाज। इतने सारे ग्राहक मेरे, मेरे लिए लकी ग्राहक हो। टॉवल किधर रखा है यार? वैसे आप किरण को जानते हैं क्या, जो रेडियो में बोलता रहता है? बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है वो। अगर तुम उसको कॉल कर दो ना तो दिमाग की सारी गर्मी निकाल देता है। वैसे मेरे पास भी एक तेल है सर की गर्मी निकालने का, सर का मसाज। स्पेशल मसाज होगा तो 200 लगेगा, नॉर्मल मसाज में 50 ही लगेंगे। क्या करूं मैं? ठीक है नॉर्मल वाला ही करूँ। नॉर्मल करूँ मैं? ठीक है। अच्छा ये बताओ, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी है? स्वामी जी बनने का इरादा है क्या? वैसे आप गलत मत मानिएगा, मसाज के लिए पूछा तो। मेरा एक परमानेंट कस्टमर है। आप बातें कम करते हैं लेकिन वो मुझसे बहुत बातें करता है। मुझे भी बात करने के लिए बंदा चाहिए, बात ही मेरा धंधा है यार। ये बात बात में मैं एक बात कहना भूल गया। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखता था। आपके पिताजी डॉक्टर हैं क्या? ना, मेरे पापा डॉक्टर नहीं है, वो तो एक मिस्त्री हैं। जब मेरे पापा बच्चे थे ना तो वो भी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन वो मिस्त्री बन गए। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि ये कोट तो है। वैसे आप जीवन यापन करने के लिए क्या काम करते हैं, बताना हो तो बता दीजिए। ऐसे ही छोटा मोटा काम करता हूँ, गुजारा चल जाता है। सर फेशियल मसाज करूँ ना? नहीं नहीं, बस इतना काफी है। कितना हुआ? 50 रुपए। तुम्हारे बारे में मेरे फ्रेंड के जरिए मुझे कुछ बातें पता चली है। मेरे से छिपाने वाली कोई बात है क्या? कुछ है तो बता दो प्लीज। कौन सी बात? नहीं, मेरे ससुर ने धोखा दिया है ऐसा बोला था। इस गांव में कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, ऐसा क्यों? अच्छा तो ये बात है, जब मैं बच्ची थी तो माँ के साथ नहाने के लिए दरिया जाया करती थी। उसी वक्त किसी ने मेरा मोबाइल में वीडियो निकालकर हर जगह वायरल कर दिया, और जब हम गांव वापस आए तब ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। और इसी वजह से मेरे अब्बू ने सबसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता था कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। इसी बात को लेकर मेरी माँ, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज जो मेरी स्थिति है उसके कारण मेरे अब्बू ने कहीं मुझे जाने नहीं दिया। तभी से लेके लोग की नजर में और समाज की नजर में मेरी यही छवि बन गई। अच्छा ऐसी बात है क्या? सुनिए शाम को जल्दी आइएगा। तुम्हें मेरा काम पता नहीं है क्या? कुछ भी खबर नहीं रहती है तुम्हें। गारंटी नहीं देता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। पिछले 5 सालों से यही सुनते आ रही हूँ बस। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो आपसे शादी कर ली। क्या कर सकता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। ऊपर से मुझे एक पीसी मिल गया है। थू, कमबख्त मुझे पहले आना चाहिए था। कहीं पर भी स्पोर्ट्स पोस्ट बोलता रहता है। ठीक है मैं चलता हूँ। हेलो, हाय। अरे यार तुम भी ना। अब ये कौन है?
बॉम्ब बनाने का काम है इसका, छोटे छोटे बॉम्ब बनाता है भाई। ये यहाँ क्यों आया है भाई? अपन एक सैंपल लेके आया, दिखाओ क्या? सैंपल दिखाएगा तभी तो आगे बात होगी ना। रेट क्या है, रेट बताओ भाई। ये सब अलग अलग रेट के है भाई, पहले तू सैंपल दिखाना भाई। वो कैसा है? वैसे सिंपल आदमी हो तो 1,000 रूपए लगे, और अगर नक्सलाइट के लिए देना है तो 50,000, और अगर एक उग्रवादी को देना है ना तो 5 लाख से ऊपर कमा सकते है भाई। आप पूछे तो मैं देता हूँ, इसका दाम कुछ और भाई। अच्छा कमीशन कमा लेंगे अपन दोनों। देखते हैं, बम दिखाओ, बम दिखाओ। अरे जल्दी दिखाना, ऐसे हाथ नहीं लगाने का। दिखाओ दिखाओ। इसे लेकर कहीं और चले जाओ, अगर ये बॉम्ब यहाँ फट गया तो क्या होगा? अरे भाई इससे डरने की जरूरत नहीं है, फटने वाले बॉम्ब का रेट मैंने लगाता है। हाँ भाई इसका यकीन करो, फटने वाला बॉम्ब यहाँ नहीं लाएगा। ये आंख रहते हुए अंधे, अगर बॉम्ब फट गया तो रेट लेने के लिए कौन बचेगा यहाँ? बॉम्ब लेकर जाओ यहाँ से। अरे यार जैसा भाई कह रहा है वैसा कर, जल्दी से निकल ले यहाँ से, जा जल्दी कर, जल्दी कर। अच्छा भाई इसे देखकर खुशी नहीं मिली क्या? अरे नालायक, निकल यहाँ से, पागल खाएगा क्या, हमारी बात लगाएगा तू? जा यहाँ से, जा कहीं और जाकर फोड़। अरे बाप रे, मर जाते अभी तो। ये लोग कौन है भाई? वो तो बॉम्ब लेकर आया था, ये मूर्ति लेकर क्यों आए भाई? इस बार बॉम्ब नहीं, मैं इस बार मूर्ति लेकर आया हूँ। आपको पता नहीं है ये बहुत एंटिक पीस है, 300 साल पुरानी मूर्ति है। ओवरसीज में बहुत डिमांड है इसकी, ऑक्शन में ये बहुत महंगे रेट में बिकने वाली है। एक बात सुन लो, जितना ज्यादा प्राइस हमको मिलेगा उतना ज्यादा तुमको कमीशन भी मिलेगा, कमीशन में नो कम्प्रोमाइज, यकीन करो। कस्टमर हमेशा भगवान होता है भाई। अरे ये भी क्या क्या करता है, इन्हें मूर्ति चाहिए, शुभ काम में देर कैसी। आप एक काम करते हैं, ऑक्शन शुरू कर देते हैं। 1,12,000। 1,00,000। 1,50,000। 1,60,000। 1,80,000। बोल बोल बोल। 1,90,000। 2,00,000। 2,60,000। 3,00,000। 3,20,000। 3,20,000। 3,50,000। भाई जेब में पैसे 4,00,000। 4,50,000। भाई पागल हो गए हो क्या? हे भगवान, ये क्या कर रहा है? 5,00,000 रुपए। अबे अब मुंह मत खोल। अबे तू आदमी है कि ये पैजामा? बोलना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है तू। अगर वो पैसा नहीं देता तो मैं तेरे से लेता। चलो पैसे तो मिल गए, अच्छा हुआ। ठीक है ठीक है, चलो इनको कमीशन देके नक्की करते हैं, उसके बाद पार्टी करेंगे, एंजॉय करो। ये लो, संभाल कर रखना, ज्यादा खर्च मत करना। और तुम भी लो, ये लो 90 रुपए माँ बाप को देना, 10 रुपए तुम खर्च करना। जाओ यहाँ से, ऐश करो। 100 रुपए से क्या हो? तुम लोग चोर हो तो मैं बड़ा चोर हूँ। रोड नंबर 7 पे चोर चोरी करके भाग रहा है, रोड नंबर 7 पे चोर चोरी करके भाग रहा है। अगर किसी को मेरी आवाज आ रही है तो वो रोड नंबर 7 पर आ जाए। पीसी वाले गांव में लड़ाई हो रही है। यस सर। देखो अर्जेंट काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, स्टेशन में जरा ध्यान रखना, बहुत होशियारी से देखना, समझ में आया ना? दिमाग का बल्ब जल गया मेरा। आई रिपीट पास वाले गांव में लड़ाई हो रही है, वहां पर 4 लोगों की जरूरत है। अगर किसी को आवाज जा रही है तो उस गांव में जल्द से जल्द वहां पहुंचे। ओवर एंड आउट। क्या है? 2 चाय बोलो ना। मेरे लिए भी, मेरे लिए 3 चाय। 3 चाय नहीं है, जहर है। तो फिर एक ही देना। फाइल यहाँ रख के चले गए हैं। लाइट जल रहा है मतलब कुछ होगा। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 क
कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ए तुम आगे बच्चे हो, जल्दी से आ जाओ कबड्डी खेलेंगे। जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। अरे यार आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो कबड्डी 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 सर चाय। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं सर। थैंक यू। वेलकम 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 टू 98.6 रेडियो एफएम और ये है आपका सबसे पसंदीदा शो। सो वेलकम टू स्ट्रेट टॉक विद किरण एंड दिस इज योर आरजे किरण। तो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट कॉलर कौन है। हेलो। नमस्ते सर, बोलिए। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। रिश्वत लेकर बहुत ज्यादा जायदाद बना ली है और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी दिया है। आज मेरे बच्चे ये कहकर मुझे छोड़कर चले गए कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने बहुत लोगों से रिश्वत ली है और उन्हें धोखा दिया है। इस बात को लेकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सर, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। आपने जिस किसी से भी रिश्वत ली है, आपको उनका नाम, चेहरा या एड्रेस तो पता ही होगा। जाकर पता कीजिए कि उनकी फैमिली किस हाल में जी रही है आजकल। उन्हें पैसे लौटाकर उनकी मदद कीजिए। हाँ, बिल्कुल सच कहा तुमने। मैं पक्का लौटा दूंगा। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत अनुभव है सर। हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिंदगी एक पाठशाला है। कभी खाली पेट सोना पड़ता है तो कभी बिना छत के, लेकिन जिंदगी तो चलती ही रहती है। ये कभी किसी के लिए ना रुकती है और ना ही ज्यादा मेहरबान होती है, वो सिर्फ परखती है। बाप रे, कितने स्पीड में दौड़े। चप्पल टूट गई, जरा चप्पल सी दो। कैसे दिन आ गए बाबा, यहाँ तक कि तुम्हारी चप्पल भी घिस चुकी है। हमारे दिन कब फिरेंगे? तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह तक मुझे पीसी कबड्डी कबड्डी बोलता रहेगा तो बहुत तकलीफ होगी। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो सर। हाँ, ओके। पुलिस। अरे क्या हो गया है तुझे? ये पुलिस है क्या? ये पुलिस नहीं है। ओके, पुलिस नहीं है। हर जगह मुझे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। अरे तू पागल हो गया है क्या? चुप रह, बेकार में पुलिस पुलिस बोल के डर जाता है। पागल हो गया है क्या? एम्बुलेंस थी बाबा, तुम फालतू में ही डर गए। हे चलो, चलो। कोई नहीं है क्या? हाथ धोकर आते हैं, एक ग्रीन टी मंगाते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है ना। अरे बिल कम है, मैं देता हूँ। अरे पर्स, खाने के बिल में भी जीएसटी मारा। खाएंगे मेरा। भाई लगता है पर्स लाना भूल गया मैं। उसमें पैसे भी नहीं होते हैं, मुझे पता है ना। ठीक है, मैं देता हूँ ये भी ना। मेरा भी पर्स नहीं है। लगता हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। तो फिर हम एक काम करते हैं। हाँ? हाँ? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा हाथ पकड़ो, तभी बचोगे।
हाँ यार, तुमने जो बोला वो सही है। वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन मेरा भी एक प्रॉब्लम है। दरअसल 5,000 शॉर्ट हो रहा है, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। गौरव, एक मिनट, क्या हुआ? अपना फोन दोगे क्या? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, मम्मी को फोन करना है। एक मिनट, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। तुम्हारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बस मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक मिनट प्लीज। मैं भी घंटे भर बात करने वाली नहीं हूँ, बस एक ही मिनट का काम है, मेरी माँ इंतजार कर रही होंगी। यार आधे घंटे के बाद फोन करता हूँ। हाँ हेलो माँ, कुछ नहीं बस ऐसे ही फोन किया था, पहले दिन का थोड़ा दही बच गया है तो उसे कैसे यूज करूँ? तुम्हारा फोन, किसके साथ बात कर रहे थे वैसे? फ्रेंड है यार, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। प्रॉब्लम तो सबको होती है, ऐसे ही सबको पैसे बांटते रहोगे क्या? बी केयरफुल। अरे ऐसा नहीं है, अपने प्रॉब्लम के लिए वो कॉल करता रहता है। मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे और वापस लेने के लिए फोन किया था। वैसे सोच अच्छी है, कम से कम थोड़ा हेल्प हो जाएगा ना, आखिर है तो फ्रेंड ही ना। मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी पैसे कम हैं। जब मौका आएगा तो हम क्या करेंगे ये सोचकर पहले से कोई फायदा नहीं है, कैसे भी करके एडजस्ट कर लो। मैं कम इन मैडम? या प्लीज कम इन। मैडम आपने बुलाया था? हाँ, इसके पहले एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, इस फाइल को आप ही हैंडल कर रहे हो ना? उस फाइल में कुछ प्रॉब्लम है मैडम। अच्छा ठीक है, गौरव को भेज देना। ओके मैम। मैडम आपने बुलाया? हाँ गौरव, एक फाइल है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं भी थोड़े दिन यहाँ नहीं रहूंगी, जरा इसे सावधानी से हैंडल करना। ओके श्योर मैडम, थैंक यू। सूर्या, तुम साइकिल लेकर क्या कर रहे हो? तुम्हें इस कंडीशन में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पापा की याद आई तो बस यूं ही चला आया। कुछ मदद करने के लिए सोचा भाई, लेकिन मेरा भी उस तरह का कुछ पोजीशन नहीं है। अरे ये सब तो होता रहेगा, ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? काम के लिए ट्राई कर रहा हूँ कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, मेरे जो मार्क्स आए हैं उसमें कौन काम देगा। एक काम करो, मैं एक नंबर देता हूँ, उसे कॉल करो, मेरा नाम बताना। ठीक है दे दो। नंबर बताओ। 9760452348। हेलो सर। सर मैं आजाद बोल रहा हूँ, सूर्य भाई ने आपका नंबर दिया है। क्या टैलेंट दिखाओगे तुम? मैं थोड़ा बहुत गाना गा लेता हूँ। मुझे नहीं बताया, ठीक है कुछ करेंगे, एक काम करो गाना सुनाओ। ठीक है सर। तुम ही हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो, तुम ही हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो, मन में तुम हो, आँखों में बसी हो, कानों में गूंजे तेरी सदा, खुश हूँ तुमको पाके मैं। गाना अच्छा है। सर आपको अच्छा लगा? कल तुम ऑफिस में आ जाओ। जी सर। हेलो सर, कल मेरी शादी है। ओह कांग्रेचुलेशंस सर। मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ सर। कितने सालों से? एक साल से सर, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि शादी करूँ या नहीं करूँ। एंगेजमेंट हुए कितने महीने हुए हैं? 3 महीने हो चुके हैं सर। अगर पसंद नहीं है तो पहले बताना चाहिए था ना? ये बात बताने के लिए सही समय मिला ही नहीं सर।
शादी का समय नजदीक है और मुझसे हो नहीं रहा। 3 महीने से तुम्हें वक्त ही नहीं मिला और अब मिल रहा है। तुमने कभी उसके घर के कंडीशन के बारे में सोचा है? कितनी तकलीफ उठाई होगी उन्होंने शादी के लिए, शादी से जुड़े कितने सारे सपने देखे होंगे उन्होंने। तुम्हें शादी नहीं करनी है और ये बात तुम एक दिन पहले कह रहे हो। तुम्हें नहीं लगता ये सुनकर किसी की जान चली जाएगी? तुमने कभी इस बारे में सोचा है? उस लड़की का नंबर दो। 9825251505 सर। मैं उसे कनेक्ट कर रहा हूँ, सारी बात खुलकर बता देना। ठीक है सर। हेलो, मैं 98.6 रेडियो एफएम से बात कर रहा हूँ। मैं आरजे किरण बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हेलो, आपका होने वाला हस्बैंड भी लाइन पर है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो दोस्त। सर हम क्या करें, माँ बाप ने कर्ज लेकर शादी का अरेंजमेंट किया है, अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई होगी, शादी कैंसिल हुआ तो उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पापा हार्ट पेशेंट है। सर आप इस बात को समझ सकते हो ना, ड्रग्स की आदत छोड़ सकते हैं ना। ठीक है, माँ बाप की खुशी के लिए, अगर ये लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो क्या तुम इस लड़की के लिए ड्रग्स जैसी खराब चीज भी नहीं छोड़ सकते? छोड़ दूंगा सर, पक्का छोड़ दूंगा। देखा दोस्त, ये जो प्यार है ना, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। और इसी का साथ देने के लिए लोग जिंदगी में बहुत सी चीजें कर लेते हैं। बाबा, और कब तक हम दोनों इस तरह से अपनी जिंदगी बिताएंगे? क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, हमारा भी टाइम आएगा एक दिन, हमारे भाग्य में भी कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। भाई वो देखो भाई, गाड़ी कैसे हिल रही है भाई। चलो चलो देखते हैं कौन है, चलो। भाई आप मत जाओ, भाई आप मत जाओ, देखने दो। चलो 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 भाई, चलो आप, अरे चलो ना, बोल रहा हूँ, चलो चलो आ जाओ, बैठो। वो लड़की ऐसी होगी मैंने सोचा नहीं था, इतनी कैरेक्टरलेस लड़की है। इन सब की वजह सिर्फ तुम हो, सही टाइम पे सही काम नहीं किया इसलिए ये सब हो रहा है। तुमने टाइम दिया होता तो ऐसा नहीं होता। क्या हो गया? मैं लाइफ में सेटल होने के बाद उससे शादी करूंगा सोचा था। सेटल? अरे कब हो पाओगे तुम सेटल, ऐसे तुम्हारी जिंदगी कभी सेटल नहीं हो पाएगी। हे पीसी, अभी दिखाता हूँ तुझे। मैं जाऊंगा। पुलिस? बिना पिए तुम्हें नशा हो गया है? अरे पुलिस पुलिस कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है भाई। अरे ये पुलिस ही है। पुलिस है क्या? चलो, तुम लोग चोर हो तो मैं महाचोर हूँ। ऐसा है क्या? देख क्या रहे हो, चलो पुलिस स्टेशन, चलो। छोड़ दो। ओ क्या बात है, आज साहब बड़ा जल्दी आ गए। आज हमारी एनिवर्सरी है ना, चीनू भी घर पर नहीं है, कहीं बाहर जाकर आए क्या? कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है तो बताओ, वही तुम्हारे डब्बे वाले कार में तुम्हारे पुराने रेस्टोरेंट में ले जाओगे तो मैं तो नहीं जाने वाली। ठीक है, रेडी हो जाओ। Thank you.
देखो तुम दोनों को बेल मिल गई है, जाओ आज के बाद ऐसा मत करना। हाँ? किसने हमारी बेल कराई सर? नाम नहीं बताया, कोई सज्जन आदमी था, साथ में एक लड़की भी थी। लड़की थी? हाँ। कौन लड़की हो सकती है? पापा, आप इतने टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ बताओ? हाँ यार, मैं भी वही तब से देख रही हूँ, हुआ क्या है? चिनू, जरा तुम अंदर जाओगी? मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्या तुम मुझे माफ करोगी प्लीज? पहले तुम्हारी गलती क्या है ये बताओ, माफ करना है या नहीं करना मुझ पर छोड़ो। अपनी कार का अमाउंट भरने के लिए ऑफिस में 50,000 की रिश्वत ली थी। बस 50,000, इतना ही ना? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। अरे मामला ये नहीं है, रिश्वत लेते वक्त उन्होंने वीडियो बना लिया था और मुझे कह रहे थे कि अगर 3 लाख नहीं दिए तो मीडिया के सामने तुम्हारी पोल खोल देंगे, ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। तुम काम तो कर रहे हो लेकिन उसमें होशियारी दिखाना तुम्हें नहीं आता क्या? अब इसका हल कैसे निकालोगे सोचा है? कुछ नहीं यार, इस गाड़ी को बेचने की सोच रहा हूँ। क्या, कार को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कार बेचने के बाद हमें कितनी प्रॉब्लम्स होगी उस बारे में सोचा है क्या? जरा भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर क्या करूं? तुम खुद ही बताओ, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा है। मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगी, गलती तुमने की है तो इसके बारे में तुम्हें ही सोचना होगा, लेकिन कार बेचने के बारे में सोचना भी मत समझे। चीनू, फोन किसका है जरा देखो। हेलो, हाँ है। क्या क्या, ठीक से सुनाई नहीं दिया। हेलो हेलो, कौन था फोन पे? पता नहीं माँ, ठीक से सुनाई नहीं दिया। डैड के बारे में कुछ पूछ रहे थे और मर्डर के बारे में भी। मर्डर? और वो आने वाले हैं। और क्या क्या सुनना बाकी रह गया है? ये क्या करते रहते हो तुम? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। पहले रिश्वत का नाम आया, अब मर्डर भी आ गया। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। चीनो, तुम मेरे साथ आ रही हो या यहीं रहने वाली हो? ए पुलिस, पापा पुलिस आई है। पुलिस? मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम संभालो इसे, मैं इन सब में नहीं पड़ने वाली। अरे यार, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, मुझ पर भरोसा करो प्लीज। अब भी भरोसा करूँ? सर, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? सर सर, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी, टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आया था, आज फंक्शन भी है, अर्जेंटली मुझे जाना है। मैंने कितने कॉल किए, आपने रिसीव नहीं किया। सर तुमने फोन किया था? हाँ सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या लाए हो बताओ। कुछ नहीं सर, एक मनी ऑर्डर आया था, उसे ही देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके अंदर लेटर भी है सर, ये लीजिए, यहाँ पर एक सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ। मैं निकलूँ सर? ठीक है। माँ ने लेटर लिखा है। बेटा कैसे हो तुम? हर महीने 5,000 भेज रहे हो लेकिन वो मेरे इस्तेमाल का नहीं है बेटा, मेरे काम में नहीं आ रहा है इसीलिए मैं वापस भेज रही हूँ। बेटा मुझे गलत मत समझना, बहू और पोती कैसी है ये मुझे बताना।
मुझे तुम्हारी याद आ रही है माँ, मैं आ रहा हूं। माँ? गौरव कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। बहू और पोती कहाँ है? उनको साथ में नहीं लाए क्या? कहाँ है वो लोग? वो लोग नहीं आए माँ, वो जिंदगी में बहुत आगे पहुंच गए हैं, अभी उनके लिए आना मुश्किल है। वो सब छोड़ो माँ, तुम्हारी समझ के बाहर है। अरे तुम अपने कपड़े बैग कुछ नहीं लाए हो? इतने दूर से आए हो बेटा, कुछ दिन रुकोगे ना? बैग लेकर आया हूँ माँ, मैंने बगल के होटल में रूम लिया है। बिना एसी के सोना मुश्किल है, इसीलिए। ठीक है, आओ बैठो। कुछ भी हो जाए तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हेल्थ तो सही लग रही है, कमजोरी भी नहीं है। ये कौन है माँ? ये सूर्या की बेटी है। सूर्या? कौन सूर्या? हमारा सूर्या? वो यहाँ है क्या? हाँ बेटा, हमारे ही घर में रहता है। उसका भी यहाँ कोई नहीं है, चलो अच्छा हुआ। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हूँ ना, इसीलिए वो मेरे साथ ही रहता है। तो फिर उसकी बीवी? दोनों काम पर गए हैं, अभी आने का टाइम हो गया है। पैर में क्या हुआ बेटी? इसे पोलियो हो गया। सूर्या को जरा भी अकल नहीं है क्या? बचपन में इसका ख्याल रखना चाहिए था ना? ऐसा नहीं है बेटा। बच्ची तुम जाओ, जाकर खेलो। हाँ, ये सूर्या की अपनी बच्ची नहीं है, सूर्या ने इसको एडॉप्ट किया है। इसे पोलियो हो गया था ना, इसीलिए। क्यों, सूर्या को बच्चा नहीं है? अरे उसकी बहुत अजीब सोच है बेटा, उसे समझना बहुत मुश्किल है। दुनिया के जितने भी बोझ है उसे वो कम करना चाहता है। वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, मेरे तो समझ के बाहर है बेटा। मैडम, आप इधर? गौरव, तुम हमारे घर में? गौरव, ये सूर्या की बीवी है। मम्मी, थैंक यू मम्मी। दैट्स ओके। पापा, हमारे घर में कोई अंकल आए हुए हैं। ओ सूर्या, कैसे हो तुम? पापा पापा, आज की कीबोर्ड क्लास बहुत अच्छी थी पापा, मैंने जो सीखा है उसे बजाऊं क्या? आज नहीं बेटा, आज अंकल आए हैं ना। अरे कोई बात नहीं सूर्या, तुम बजाओ बेटा। पापा, आप अपने स्टाइल में कुछ बोलो ना पापा। तुम जो बोल रहे हो ना, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को एक स्पेशल चीज सिखाई है और वो तुम्हारे सामने पेश करेगी। सूर्या, किरण तुम ही हो क्या? जब तुम मेरे साथ हो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। करेक्ट। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ कभी ना छोड़ेंगे। ये लो। थू, छी, ये क्या है माँ? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पास्ता ला कर दो। हेलो। हेलो, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। तुम्हारे पति को लोन लिए हुए 2 महीने हो गए, अभी तक भरे नहीं। सर वो यहाँ नहीं है, वो 2 दिन में आ जाएंगे। ये सब नहीं चलेगा मैडम, 2 दिन बोलकर कितने दिन इंतजार कर सकते हैं? लोन मांगने के लिए आते हो, भरने के टाइम नहीं भर पाते हो, अभी भर दीजिए वरना एक्शन लेंगे। मैडम दूध। इतनी देर से आ रहे हो तुम, अब निकलो। और पैसे मैडम? मेरे पति आज घर पर नहीं है, उनके आने के बाद देती हूँ। नहीं मैडम, मेरी प्रॉब्लम जरा समझो मैडम, 4 महीने से हम लोग बहुत प्रॉब्लम झेल रहे हैं, पेमेंट अभी चाहिए मुझे, आप लेकर आइए जल्दी से। अभी नहीं है,
आप जाइए यहाँ से। अगर ऐसा है तो दूध वापस करो, हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। हर आदमी तंग है, थोड़े लोग सक्सेस। अपने धंधे में नाम कमाना है तो दो चार लोगों का सर काटना पड़ता है, पापा कहते हैं। ये दंगा मैंने ही फैलाया है, नेक्स्ट एमएलए मैं बनूंगा। अरे भाई उधर देखो, वो चश्मे सिधरी आ रहा है, आज उसको नहीं छोड़ेंगे। Ha 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 ha